मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माई क्लास। वी हैव ऑलरेडी रिवाइज आर चैप्टर फर्स्ट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेकेंड चैप्टर, कैरिंग फॉर द पीपल अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो भी लोग हैं हमारे, ठीक है, उनके अपने को क्या करने चाहिए, केयर करनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी केयर अपन कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। नाउ वी ऑल लाइक टू बी हैप्पी। ठीक है, हम सभी को हैप्पी रहना पसंद है, हम सभी को हेल्दी रहना भी पसंद है। ठीक है, एंड टास्क ऑन और ऑन, ठीक है, और ये सभी हम अपने खुद से कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑफन अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीवन वन अराउंड अस आर लकी इनफ टू डू वर्क एंड प्ले। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे वर्क अपने खुद कर सकते हैं, बट सभी लोग इतने लकी नहीं होते हैं कि ये अपने सभी वर्क खुद कर सकें। सम मे बी ऑल और फिजिकल डिसएबल्ड और मेंटली अनस्टेबल। ठीक है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो फिजिकल एबल होते हैं, ऑल पीपल्स होते हैं, लाइक ऑल पीपल फिजिकली डिसएबल्ड पीपल। देखो, जो ऑल पीपल्स होते हैं वो अपने सारे वर्क खुद नहीं कर सकते, इसी टाइप से जो फिजिकली डिसएबल्ड पीपल्स होते हैं या फिर मेंटली अनस्टेबल जो पीपल्स होते हैं, जो फिजिकली डिसएबल्ड पीपल होते हैं, लाइक अगर किसी का हैंड काम नहीं करता है, किसी के आईज अच्छे से काम नहीं करती, किसी के लेग्स नहीं करते, और कुछ लोगों की मतलब पूरी बॉडी अच्छे से होने के बावजूद मेंटली वो इतना प्रिपेयर नहीं रहते हैं कि वो अपने सारे वर्क खुद कर सकें। ओके, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको एडजस्टमेंट करना होता है अपनी लाइफ के अंदर। ओके, देन तो ऐसे लोगों के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, वी शुड ट्रीट देम नाइसली। हमें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और हमें कभी भी उन पर लाफ नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ इसीलिए हमेशा हमें उन क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए एंड उनकी अपने को केयर करनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ऑल पीपल्स। तो देखो, ऑल पीपल्स की आप कैसे हेल्प कर सकते हो। नाउ जैसे जैसे देखो टाइम स्पेंड हो रहा है, वैसे वैसे सभी को ओल्ड होना है। तो अगर आप अपने मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो आपके जो चिल्ड्रेंस होंगे इन फ्यूचर वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइक दे पर्सनली नीड्स लाइक फूड हेल्थ। तो आपको पर्सनली उनको जैसे ही मतलब किसी भी चीज़ की मतलब नीड होती है, अगर हमको फूड देना है उनकी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, तो पर्सनली आपको उनकी केयर करनी है। इसके अलावा दे नीड हेल्दी एंड प्रॉपरली कुक फूड, और उनको हमेशा अच्छा फूड देना है जो प्रॉपरली कुक है और हेल्दी फूड है। ओके, जिससे वो उनके अच्छे से मतलब ईजीली वो डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, इसी टाइप से एंड उनकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उनकी आपको केयर करनी है। ओके, एंड रेगुलरली उनको क्या करना है, मेडिकल चेकअप उनका करवाना है, उनको मेडिसिन देनी है। ठीक है, और जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको मेडिसिन देनी और ज़्यादा अच्छे से उनकी केयर करनी। ठीक है, ये हो गए कौन से अपने ऑल पीपल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज और क्या करना चाहिए हमें, वी शुड नॉट लेट देम फील लॉन्ली, और उनको कभी भी लॉन्ली फील नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, उनके साथ जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली है, ठीक है, उनको आपके लव एंड अफेक्शन की नीड होती है, जो उनको क्या बनाती है, हैप्पी बनाती है। तो हमेशा उनके साथ अच्छा बिहेव करना है, हमेशा उनसे प्यार से अच्छे से रहना है। नेवर लेट देम फील अनवांटेड, और उनको कभी भी ये फील नहीं करवाना है कि वो इस हाउस में अनवांटेड है। ठीक है, उनको हमेशा ऐसे फील करवाना है कि उनकी जरूरत आपको है। ठीक है, एंड ओल्ड एज डे सेलिब्रेटेड, ये एवरी 1 अक्टूबर को ओल्ड एज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं। ऐसे लोग कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास है डीफ एंड डम। डीफ एंड डम इट मीन्स जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। ठीक है, नाउ जो सुन नहीं सकते
वो तो कौन से हो गए, डीफ पीपल, और जो बोल नहीं सकते उनको आप क्या कहोगे, डम। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो कैसे करते हैं, मतलब साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी बातें करते हैं, ठीक है। अपने जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे तक, अपने जो थॉट्स होते हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से तो अपने को इनकी जो केयर है वो करनी चाहिए। कैसे केयर कर सकते हो, इनकी जो लैंग्वेज है वो आप भी लर्न कर सकते हो और इनसे कम्युनिकेटिंग से बातें कर सकते हो, ठीक है। इनके मैसेज जो है वो समझ सकते हो, ठीक है। और आप अपनी जो केयर है, आप जो केयर करते हो उनके लिए, वो आप अपनी शो कर सकते हो इस टाइप से। नेक्स्ट वी हैव इज विजुअल इम्पेयर्ड। विजुअल इम्पेयर्ड लोग कौन होते हैं, जो देख नहीं सकते, जिनकी आई साइट वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। ऐसे कुछ जो चिल्ड्रेंस होते हैं उनको आप विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन बोलते हो, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हो, ठीक है। तो इनकी आप केयर कैसे, मतलब इन लोगों के पास में व्हाइट कलर की स्टिक होती है और उस व्हाइट कलर की स्टिक को आप कैन बोलते हो, ओके। नाउ ये मोस्टली अपना जो वर्क होता है वो खुद कर सकते हैं, और इनको ये स्पेशल स्कूल में जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। इनकी जो बुक होती है वो भी इनसे, अपनी वाली जो बुक्स होती है उनसे डिफरेंट होती है, ओके। नाउ बुक्स फॉर ब्लाइंड्स, ठीक है। तो इसलिए जो ब्लाइंड्स होते हैं उनके लिए बुक्स क्या होती है, इस टाइप से जो अल्फाबेट होते हैं, लाइक एज यू कैन सी हियर, ये क्या अल्फाबेट्स हैं और नंबर्स जो है वो इस टाइप से इसमें लिखे हुए होते हैं, ये पॉइंटेड होती है। और इस लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज कहेंगे अपन, ब्रेली स्क्रिप्ट, ओके। और ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है ये थिक पेपर पे बनाई जाती है और इसमें डॉट्स बनाए जाते हैं। तो डॉट्स को ये क्या करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि ये देख नहीं सकते। तो इन पॉइंटेड, मतलब जो पॉइंटेड ये जो डॉट्स होते हैं, इनको ये टच करते हैं, फील करते हैं, फिर पहचानते हैं कि ये कौन सा वर्ड है, ठीक है। और इनको लिखने के लिए इनके पास एक पॉइंटेड टूल होता है, ठीक है। और 6 दिसंबर को जो इंटरनेशनल डे फॉर डिसएबल्ड पर्सन, ठीक है, इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है इस टाइप से, इन डिसएबल्ड पीपल्स के लिए, ठीक है। और जो ब्रैली स्क्रिप्ट है वो लुइस ब्रैली ने इन्वेंट की थी, लुइस ब्रैली ने इन्वेंट की थी। नेक्स्ट वी हैव इज ऑफेंस। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ऑफेंस। अब ऑफेंस कौन होते हैं, ऐसे चिल्ड्रेन जिनके पेरेंट्स नहीं हो, ठीक है, उनको आप ऑर्फन्स कहोगे। और ऐसे जो ऑर्फन्स, ऐसे जो चिल्ड्रेंस हैं उनका, जहाँ पे मतलब स्पेशल हाउसेस होता है उनके लिए, वहाँ पे इनकी केयर की जाती है, वहाँ पे इनको रखा जाता है। तो उस होम्स को, उन हाउसेस को आप क्या कहोगे, ऑर्फेनेज, ठीक है। और इनको भी क्या होता है, अपने लव एंड सपोर्ट की नीड होती है। और आप इनकी, इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप इनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो जो ऑर्फेनेज होते हैं उनमें स्पेशली आपको मतलब रेगुलरली विजिट करना चाहिए, ठीक है। और स्पेशल ओकेजन्स होते हैं वो इनके साथ आप स्पेंड कर सकते हो, इनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। और जो बुक्स एंड टॉयज होते हैं आपके, वो आप इनके साथ शेयर कर सकते हो, स्पेंड टाइम विद देम। और इनके अलावा आप इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, एज यू कैन सी हियर, जैसे ही जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनको आपकी नीड होती है, तो आप उनकी हेल्प करनी है, रिस्पेक्ट उनको करना है और उनको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। और जब भी उनको नीड हो तो आपको उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, और उनको इनकरेज करने में हेल्प करनी है, ठीक है। और अपने जो स्पेशल ओकेजन होते हैं वो आपको उनके साथ में सेलिब्रेट करना है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, नाउ अ चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। इसके अलावा अपन ने जो अपना जो चैप्टर है, ठीक है, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, इसका अपन ने रिवाइज कर लिया है। और जो एक्सरसाइज है वो अपन ने पहले ही मतलब स्टडी पर कर चुके हैं। अभी आपको ये क्या करना है, लर्न करना है। तो लर्न आपको पूरा चैप्टर भी करना है और ये जो एक्सरसाइज है वो भी आपको लर्न करनी है, ओके। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस आपको क्या करना है, मतलब इस चैप्टर के बीच में से ही पूछ सकते हैं और इन क्वेश्चंस के बीच में से भी बना सकते हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू रीड केयरफुली, ठीक है, आपको मतलब केयरफुली पूरा सब कुछ अच्छे से लर्न करना है।
अंडरस्टैंड? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.